हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी न्यूज़। आज मैं आपको बुध ग्रह के बारे में बताऊंगी, इसकी आंतरिक संरचना और इसे सांच का तारा क्यों कहा जाता है और सौर मंडल में बुध की स्थिति क्या है, तो जानेंगे इसके बारे में। लेट अस स्टार्ट। मरकरी सौर मंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा और सूर्य से सबसे नज़दीक है। मरकरी सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय अथवा 88 दिन में पूरा कर लेता है, जो कि सभी ग्रहों में सबसे तेज है। मरकरी का व्यास 4880 किलोमीटर है और घनत्व 5.5 है, जो लगभग पृथ्वी के बराबर है। मरकरी का तापांतर अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक है, जो दिन का तापमान +390 डिग्री सेंटीग्रेड और रात में -170 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। बुध अपने ऑर्बिट में 7 डिग्री झुका हुआ है, जो सौर मंडल के अन्य किसी भी ग्रह से सबसे कम है। मरकरी का ऑर्बिट पृथ्वी के ऑर्बिट के भीतर स्थित है, इसलिए यह पृथ्वी के आसमान से सुबह में या शाम को दिखाई दे सकता है, लेकिन अर्धरात्रि को नहीं दिखाई देता। पृथ्वी के सापेक्ष अपनी कक्षा पर सफर करते हुए यह शुक्र और हमारे चंद्रमा की तरह सभी फेस को प्रदर्शित करता है। हालांकि बुध ग्रह बहुत चमकीला ग्रह है, बुध को पृथ्वी से देखना बहुत कठिन होता है, क्योंकि यह सूर्य के सबसे समीप है। बुध ग्रह सौर मंडल के 4 स्थलीय ग्रहों में से एक है और यह पृथ्वी के समान एक चट्टानी पिंड है। बुध ग्रह सौर मंडल के बड़े उपग्रहों गैनीमेड और टाइटन से भी छोटा है, हालांकि यह भार में उनसे भारी है। बुध ग्रह तकरीबन 70% धातु व 30% सिलिकेट पदार्थ का बना हुआ है। भूवैज्ञानिकों का आकलन है कि बुध का कोर अपने आयतन का लगभग 42% हिस्सा घेरता है। बुध का कोर 500 से 700 किलोमीटर के सिलिकेट से बने मेंटल से घिरा हुआ है और बुध का क्रस्ट 100 से 300 किलोमीटर मोटा है। हमारे सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं, उन सब ग्रहों में से बुध के कोर में सबसे अधिक लोह पाया जाता है या लोह जैसे धातु पाए जाते हैं, इसलिए बुध ग्रह का वजन सबसे अधिक है। सूर्य से बुध ग्रह की दूरी 5.8 करोड़ किलोमीटर है। बुध ग्रह सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों समय दिखाई देता है, इसलिए प्राचीन विद्वानों ने इसे 2 ग्रह समझे थे। सुबह के उदय होने वाले बुध को अपोलो तथा शाम वाले ग्रह को मरकरी कहते थे। शुक्र के अलावा बुध को भी प्रातः या सांझ का तारा कहा जाता है। बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। 8 नवंबर 2006 को बुध की स्थिति ऐसी थी कि यह सीधे ही पृथ्वी और सूर्य के बीच आ गया था। उस दिन जैसे ही यह सूर्य को पार कर रहा था, इसकी छाया साफ साफ दिखाई पड़ रही थी। पृथ्वी और सूर्य के मध्य से बुध ग्रह के गुजरने को बुध का पारगमन कहा जाता है। सूर्य के केंद्र से एक ऐसी रेखा गुजरती है जो सभी ग्रहों की ऑर्बिट को काटती है। पृथ्वी और बुध की ऑर्बिट जिस बिंदु पर इस रेखा को काटती है, उसे संक्रांति बिंदु कहते हैं। और सूर्य के परितः परिक्रमा करते हुए जब पृथ्वी और बुध एक ही समय पर इस बिंदु के निकट आ जाते हैं, तब बुध पारगमन की खगोलीय घटना घटती है। इस घटना के समय सूर्य पर बुध काले बिंदु की तरह दिखाई देता है। बुध पर अधिक तापमान एवं कम पलायन वेग के कारण इस पर वायुमंडल नहीं मिलता है। तो ये थी हमारे सौर मंडल के मरकरी प्लैनेट के बारे में पूरी जानकारी। इससे पहले मैंने सूर्य, चंद्रमा, मून, नेबुला, स्टार्स के बारे में भी बताया है, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें, इससे आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट।